स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमो नारायणाय। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर द 9th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्ष विद्या विकास केंद्र। थैंक यू फॉर मादाजी इनवाइटिंग मी हियर बाय द ग्रेस ऑफ स्वामी पूज्य स्वामी जी महाराज। He is, one of the famous and eminent Acharya in Vedanta in this millennium. So, my ashram where I stay in Uttarakashi, actually that was one of the oldest Vidyapeeths in Uttarakashi, where Pujya Swami Chinmayanandji Maharaj and Pujya Swami Dayanandji Maharaj, they all stayed and did penance in their 60s, we can say 62, 63. So, very nice to be here with all of you. There were many subjects Madhaji has sent me through email. So I have chosen the subject of Apaurusheyatva, because this is, one of the most confused subject, because when we speak this subject in English, it is difficult to understand what the Vedas wants to say, what the tradition wants to say. Why I am saying this? Because there is a cultural difference in language. The language has limitations. Like in Sanskrit, if you try to speak Western philosophies, it will be great difficult for the speaker to choose the words, because the Sanskrit is connected to Indian culture, or rather we can say Asian culture. Similarly, in English, when we speak such things, which is very much related to, or we can say, the fundamental philosophies of our tradition or the culture, we cannot find correct words in English. Like if you want to say what is apaurusheyatva, there is no word in English. So we have to say unhuman origin or something you have to make. So that is the situation. So now you are all well learned in Vedanta. You all know Vedanta and this philosophy very well. So this subject, this apaurusheyatva, is, first, we can say it is dealt in
Purva Mimamsa. And then it is coming to Vedanta and all other philosophies. They have some discussion about this apophyate. So I think I can change into Hindi because that will be more easy. तो अपौरुषेयत्व का जब हम विचार करते हैं तो ये किस लिए अपौरुषेय बोला जा रहा है. फर्स्ट पॉइंट वो है कि क्यों अपौरुषेय बोलने की आवश्यकता है और क्या असली में अपौरुषेय का डेफिनेशन क्या है. जब जैसा अभी हमने बोला व्हेन वी से non-human originator. What does it mean? उससे क्या समझ में आता है. तो human originated नहीं है बोलने पर जो उस शब्द को अंग्रेजी में समझते हैं वो नहीं समझ पाएगा. क्योंकि वेद का chanting जब हम देखते हैं लोगों द्वारा होता है, पंडित लोग chant करते हैं और गुरु शिष्य को पढ़ाता है. जब हम कहते हैं कि वो ह्यूमन ओरिजिनेटेड नहीं है सुनने वाला क्या समझेंगे, समझ में नहीं आता. और ऐसा कोई फिलॉसफी, ऐसा कोई तत्वशास्त्र है ही नहीं जो हम बोल सकते हैं कि बिना मनुष्य के प्राप्त हो सके. ऐसा कुछ भी लोग में दिखाई नहीं पड़ता. तो ये नॉन ह्यूमन ओरिजिनेटेड ये जो वर्ड हम यूज करते हैं अपौरुषेय को समझाने के लिए, या आप किसी भी अंग्रेजी में किसी भी प्रकार से समझाने की कोशिश किए आपको उसी में ही रुकना पड़ेगा. वो है ही नहीं. यदि हम अपौरुषेयत्व को करेक्टली बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में तो बोलना पड़ेगा शी इज नॉन बाय ट्रेडिशन. वो ट्रेडिशन कहां है, बिगिनिंगलेस ट्रेडिशन. सो व्हेन वी यूज दिस वर्ड बिगिनिंगलेस अगेन इट इज कंफ्यूजिंग. हाउ कैन यू से इट इज बिगिनिंगलेस बिकॉज पीपल हैव स्टडीड Vedas try to find out its origin, when it originated and all those things. और जितने भी study अभी तक हुए हैं, research हुए हैं, वो सारे उसकी जो methodology है, research करने की जो methodology है, वो गलत methodology है. यानी जैसे हमने कहा कि हमारे culture वेद को कैसे समझता है, वो मेथोडोलॉजी पर रिसर्च नहीं हुआ. जितने रिसर्च हुए कुछ लोग तो वेद को वेद की जो भाषा है भाषा देख करके भाषा के अनुकूल ये कब डेवलप हुआ होगा उसको रिसर्च का विषय बना के उसी तौर पर की. कुछ ऐसे विचार हुए, कुछ ऐसे रिसर्च हुए कि वेद में क्या क्या बता रखा है वो सब्जेक्ट को लेकर के, यानी कुछ नक्षत्रों के बारे में वेद में कहा, प्लैनेट्स के बारे में है, कुछ हर्ब्स के बारे में है, कुछ सस्य जाल प्लांट्स के बारे में है, तो ये सब देकर के कुछ स्टडीज किए. लेकिन ये कोई भी स्टडी वेद का स्वरूप को नहीं बता सकता, उसका टाइम नहीं बता सकता. तो ये कुछ साल पहले स्कॉटलैंड में एक रिसर्च हुआ और वहां एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ इस अपौरुषेय विषय को लेकर के, वेद कब से हुआ. उसमें उन्होंने एक ऋग्वेद के एक शब्द को लिया, बृहस्पति प्रथमं जायमानं तिष्यं नक्षत्रमपि संबभूव, ये वाक्य को किया. ये ऋग्वेद के 10th मंडल है.
उसमें बृहस्पति को कहता है बृहस्पति प्रथमं जायमानं तिष्यं नक्षत्रम। ये तिष्य जो नक्षत्र है उसको बृहस्पति ने देखा। बृहस्पति जो हमारा ग्रह है, प्लैनेट भी आता है बृहस्पति, जो वो पहले वो तिष्य नक्षत्र को देखा, यानी दोनों आमने सामने हुए, ये अर्थ है वहां स्पष्ट कह रहा है। प्रथमं जायमानं तिष्यम अभी संभव हुआ, इसको लेके वहां चर्चा हुए थे। चर्चा करके उन्होंने एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी सब मिला करके अंत में निर्णय लिया कि ये ऐसा समय एस्ट्रोनॉमी के लिए ऐसे समय पे हुआ लगभग 4275 साल पहले, BC। तो BC 4725 years बिफोर, ऐसा उन्होंने कैलकुलेट किया ये पंक्ति के आधार पर, क्योंकि ये एक ट्रुथ को बोल रहा है, एक सिचुएशन को बोल रहा है, एक काल्पनिक नहीं है। ग्रह और नक्षत्र के आमने सामने होना ये एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रूफ कर सके, जैसा महाभारत का टाइम इसी के आधार पर प्रूफ किया गया। एक तरफ तो वो स्टडी ऐसे हुआ, दूसरे तरफ अभी कुछ साल पहले ही अभी कुछ पुस्तकों में आया है, वैदिक स्टडीज के पुस्तकों में, कि ये कल्चर के बारे में जब रिसर्च किया, ये कल्चर जो हमारे इंडियन कल्चर, उसके DNA टेस्ट कराया, यानी ये कल्चर कब से शुरू हुआ, क्योंकि चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के अनुसार कि कल्चर का कुछ इंफॉर्मेशन DNA कैरी करता है और पिता पुत्र में ऐसे जाता है, ये हम जानते हैं डार्विन के एवोल्यूशन थियरी से। तो उस हिसाब से उन्होंने स्टडी करना आरंभ किया कि ये कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा, कितने साल पहले तक जा सकता है। ऐसा DNA टेस्ट कराया, तो जो ब्राह्मण है वो वेद पाठ करते हैं, उनका जो आचार है वो कब से आया, ऐसा अभी कभी भी कर सकते, किसी को भी लेके कर सकता है। ऐसे करते करते उन्होंने BC 9000 तक पहुंचा, जो बहुत बहुत लंबा है, 9000 साल पहले तक इसका कुछ आचार रहा है, विचार रहा है, तो कल्चरली उसको इतना पीछे नहीं। और उसके बाद फिर और प्रकार के स्टडी किए, मेटालिक स्टडीज, मैंने मेटल को लेकर के स्टडी की, उसमें से और पीछे जाता है वो, तो 10000 तक ले गया ये BC 10000। तो कहने का ये अर्थ है कि अभी बाल गंगाधर तिलक ने 8000 तक पहुंचाया था उनके एस्ट्रोनॉमिकल एनालिसिस के तौर पर। तो अभी ये DNA का और हो सकता है, उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि अल्टीमेट है, उन्होंने कहा और रिसर्च हो सकता है, अभी के पॉसिबिलिटी में उन्होंने 9000 तक, BC 9000 तक ले, तो 9000 अभी हमारा 2000 मिलाएंगे तो 10000, 11000 तो ऐसे हो गया, और उनका 10000 मेटालिक स्टडी का मिलाएंगे तो 12000 हो गया। तो इसका मतलब 4000 से आरंभ होता, 4000 ये जो जब लास्ट जो कॉन्फ्रेंस में हमने उदाहरण दिया उससे लेके होता है, और लैंग्वेज का एनालिसिस कुछ डिफरेंस दिखाता है, वो एक तरफ नहीं रखता है, क्योंकि ऋग्वेद के ही प्रथम भाग का कुछ और है और अंतिम दशम मंडल का कुछ और है, ऐसा ऐसा। तो मैं इसलिए ये बैकग्राउंड आपको कहा कि ये सारे स्टडीज वेद में क्या कहा है उसके आधार पर है, वेद के विषय के आधार पर किया है। और एक बात ये ध्यान में नहीं रखा गया कि अभी लैंग्वेज को जब एनालिसिस करते हैं, हम जानते हैं कि ऋग्वेद जैसे ग्रंथ में, अभी सभी ने माना है ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, दुनिया में सबसे पुराना ग्रंथ है, इसमें दो मत नहीं है, इसमें कोई विवाद भी नहीं है, सभी स्वीकार करते हैं।
लेकिन उसमें जो लैंग्वेज को हम लेते हैं, एक लैंग्वेज इतने ढंग से तैयार होने में कितने साल लगे, इस पर उन्होंने स्टडी नहीं किए कि लैंग्वेज में क्या कहा, ये रूप कैसे बने, ये रूप का फिर बाद में डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ये इसके पहले वो उन्होंने अनुमान किया कि इस प्रकार रह सकता है ऐसा। लेकिन एक लैंग्वेज हम देखते हैं, लैंग्वेज स्टडी करने वाले जानते हैं, एक लैंग्वेज इतने ढंग से तैयार होने में बहुत साल लगता है। अभी हम इंग्लिश के हिस्ट्री देखिए, 200 साल के इंग्लिश हिस्ट्री आप देखने से आपको मालूम हो जाएगा कि इतने सब कुछ सुविधा होते हुए, मीडियम इतने अच्छे हैं होते हुए भी कितने मुश्किल हो रहा है। अभी डेवलप होता है, हमारे यहाँ अभी व्हाट्सएप का अलग लैंग्वेज हो गया, और इंग्लिश में भी जो अच्छे इंग्लिश जानते हैं वो भी व्हाट्सएप में कुछ और लिखते हैं, और ईमेल में कुछ और लिखते हैं, SMS होगा तो और कुछ लिखते हैं। तो वो बहुत बदल रहा है और स्वीकार करना पड़ेगा कुछ साल के बाद में इसको, लैंग्वेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ साल के बाद कोई भी सही स्पेलिंग नहीं लिख पाएगा। अभी बच्चे लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो गया, अभी बच्चे तो देखते हैं ना 10-12 में पढ़ते, हम लोग पढ़ते समय तो पूरा याद करा देते सब कुछ कर, वो अभी कह रहे हैं कि हमें तो कम्युनिकेट करना है, वो तो दूसरे को समझना है कि हम क्या बोला है। तो वो अभी स्पेलिंग तो रहा ही नहीं, स्पेलिंग तो बिल्कुल अटपटा हो गया, और हम लोग भी अभी भूलने लग गए हैं, लिखते लिखते स्पेलिंग आता ही नहीं, ऐसा हो गया, ये होने वाला है। तो ये लैंग्वेज को जब देखते हैं कि ऋग्वेद का इतना सुंदर लैंग्वेज, मैंने व्याकरण की दृष्टि से ग्रामेटिकली परफेक्टली बनाया हुआ और क्लियरली कम्युनिकेट करता है, सब कुछ है, ऐसा लैंग्वेज डेवलप होने में कितने साल लगे होंगे, सामान्य सोचने पर उसको भी कई हजार साल लगे होंगे इतने सारे गैदरिंग करके उसको लैंग्वेज के रूप में प्रकट करने में कई हजार साल लगे होंगे। तो ऐसा देखने पर हमें कुछ इनडेफिनेट टाइम में ले जाना पड़ेगा वेद को, जो साइंटिफिकली अभी एनालिसिस के बारे में मैं कह रहा हूं, इतना होने पर भी इनडेफिनिट में ले जाना पड़ेगा कि कोई डेफिनेट निश्चय नहीं कर सकता। और दूसरा, ऋग्वेद आदि में जो बातें बताई, जो फिलोसफी है उसमें, उसकी गहराई, वो कितने रिसर्च के बाद वो कैसे वो प्रकट होता है। कोई भी चीज को हम जानते हैं कि एक रिसर्च को तैयार करके फॉर्मूला बना के लैंग्वेज में प्रस्तुत करने के लिए एक साइंटिस्ट को या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को कितने मेहनत करनी पड़ती है, एक जो रिसर्च है उसको लाने के लिए। लेकिन व्हेन वी सी उपनिषद्स और वेदास, वो इतने कंसाइस है, तो इतने वो बढ़िया से तैयार किया। सूत्र में देखिए, अभी न्याय सूत्र उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कितने परफेक्टली बनाया गया है। अब मुझे लगता है कि ऐसे कोई ग्रंथ ही दुनिया में नहीं होगा, इतनी साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप एलाबरेशन के जो मेथड है उस ढंग से बनाया हुआ और कोई ग्रंथ नहीं होगा जैसे न्याय सूत्र है। तो पहले 16 पदार्थ बोलते हैं, फिर उसको लेते हैं एक एक करके डेवलप करके लाते हैं, अंत में जाके 16वां पदार्थ की कंप्लीट डेवलपमेंट में होता है। तो एक व्यक्ति कोई पढ़ेगा तो उसके दिमाग में पूरा वो पिक्चर आ सकता है, सो परफेक्टली वो बनाया हुआ है। हम तर्क संग्रह आदि पढ़ते हैं, आप्तवचन को जब देखते हैं, आप्तवचन क्या है कि पहले जो उच्चारित है उसको बाद में पुनरुच्चारण करके अध्ययन करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको आप्तवचन कहा जाता है। तो वो अपने आप नहीं बनाता, और लैंग्वेज के जो स्टडीज है उसके हिस्ट्री भी बताते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप कोई शब्द नहीं बनाता, उसका एक ऐसा एक ढंग उन्होंने प्रस्तुत किया
जो कि बहुत क्लियर नहीं है, वो बोलता है एक समाज तैयार होके एक शब्द को प्रकट करता है। आज भी जब कोई नया खोज निकालता है कोई साइंटिस्ट, तो उनका भी एक कॉन्फ्रेंस होता है, बाद में वो डिसाइड करते हैं कि इसको ये नाम देना चाहिए। तो ये शब्द पूर्व रहता है, पूर्व शब्द से अनुवादित होकर के दूसरा शब्द सीखते हैं। इसलिए वास्तव में कहा जाए तो जो वेद के रूप में हम अभी देखते हैं, वेद का जो ग्रंथ हम देखते हैं, वो वेद है ही नहीं, वो वेद नहीं है। क्योंकि वेद हमारे यहां एक बुक में है। ये बुक का जो कंसेप्ट आया ना, ये वेस्टर्न फिलोसफी उनके वहां से आया, वेस्टर्न कल्चर में उनके वहां सब बुक है, बाइबल एक बुक है, बुक ही बोलते हैं। हमारे यहां वेद बुक नहीं है। और जो बुक के रूप में लिखा हुआ प्रिंटेड आपको मिलेगा, हम लोग जो पढ़ते हैं वो जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ को हम वेद नहीं कहते। ग्रंथ वेद का एक संकेत है, संकेत मानो उसका एक इंडिकेशन देता है। जैसे मैं ऐसा दिखाऊंगा तो आपको इससे कुछ इंडिकेशन मिलेगा, विक्टरी ऐसा भी होता है, उसको मिला के दिखाएंगे तो आप ओम बोले, ये दो है। तो ये संकेत है। फिर वेद क्या है कि वेद का अभी भी यही मान्यता है, वेद श्रुति है, श्रुति ही वेद है। श्रुति माने क्या है कि गुरु से आप सस्वर सुन के पढ़ते हैं, उसको वेद कहते हैं। अभी कुछ साल पहले तक लिख करके दे करके पढ़ने को कोई वेद पाठ नहीं मानते थे। अभी भी जो अच्छे पंडित हैं वो पुस्तक लेकर के वेद पाठ करने बैठेगा और पूजा करने बैठेगा तो लोग नहीं मानते, ये कैसे पंडित है, हम लोग लेकर दे करके पढ़ते हैं, क्योंकि हमको आदत हो गई दे करके पढ़ना। उनको पूरा याद करना पड़ता था, और गुरु से सुन के जो याद किया, सस्वर याद किया, उदात अनुदात स्वरित प्रचेत कंब प्रकंब ऐसे ऐसे सब स्वर के विभाग है, उन सब के साथ जो याद किया है उसको वेद मानते। और बहुत बड़े पंडित भी होंगे वेद के, हमने ऐसे देखा है मद्रास आदि में, आंध्र में भी बहुत सारे ऐसे पंडित हैं, वो वेद के बहुत अच्छे उच्चारण करते हैं, पूरा वेद उनको कंठस्थ है। तब भी आप एक पुस्तक दे करके पढ़ेंगे, आप ये सूक्त पढ़िए कि ये सूक्त हम सुनना चाहते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे, वो बोलेंगे हमने ये आचार्य से नहीं सुना, ये सूक्त हमने नहीं सुना, नहीं बोलेंगे, वो एक अक्षर भी नहीं बोलते, जा जो सुना है वही बोलेंगे। ये सुन के मुझे आश्चर्य हो गया। अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में, मैंने हमारा एक सत्संग का कार्यक्रम था, वहां एक बहुत बड़े विद्वान सामवेद के आगे, क्योंकि सामवेद के अभी दो ही शाखाएं बची हुई है, उसमें एक जैमिनी शाखा है, वो केरल एक ही गांव में पुन्यार नाम के गांव है, वहां चार पांच परिवार है, चार पांच परिवार में दो तीन व्यक्ति है जो वो जैमिनी शाखा सामवेद को पार कर सकते। एक विल्लीपुरम के पास है, हाँ नहीं, एक विल्लीपुरम तमिलनाडु में भी है, विल्लीपुरम है नहीं, लेकिन ये सामवेद के जैमिनी शाखा केवल केरल में है, अलग शाखा है, दो ही शाखा है, उसमें से एक सामवेद के ये तलवकार वाले हैं जो अलग शाखा है। जैमिनी शाखा भी यही है, पुन्यार में एक ही गांव में, वो हमारे कांची के परमाचार्य की कृपा से वो दो चार व्यक्ति अभी बचे हुए हैं, उन्होंने बुला करके ला करके उनको सिखा करके रखे हैं। उनमें से एक को मिला मैं, तो मैंने पूछा देखिए आप तो किए हैं, आप अपने शिष्यों को क्यों नहीं तैयार करते, अपने बच्चों को क्यों नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं, किंतु नियम के अनुसार उम्र बीतने के बाद वे पढ़ नहीं सकते, पढ़ना नहीं चाहिए, उसको व्राप्य कहते। 8 साल से जो पढ़ना शुरू किया उसको ही पूरा अधिकार है वेद को पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए,
अभी भी वो विश्वास पर है, जबकि उनकी शाखा भी नष्ट होने वाली है। वो कहते हैं हमारे बच्चे पहले किए नहीं, अब वो स्कूल चले गए, अब 18 साल के बाद या फिर उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे। जो संध्या वंदन के जो मुख्य रूप से जो जो कर सकते हैं उन्हीं को हमने कराया, पूरा वेद सामवेद की जो शाखा हजारों सूक्त नहीं कर सकते और नहीं कराने के लिए बोला है, प्रात्य होने के बाद उनको नहीं कराते। प्रात्य मन आप जानते हैं कि जो 8 उम्र में जब समय का उस समय उपनयन नहीं किया, वेद पाठ आरंभ नहीं किया, बाद में ब्राह्मण है अधिकारी है लेकिन बाद में करना हो तो उसको प्रामाणिक नहीं मानते। तो ये कारण क्या है, कारण उसका क्या है, इसके बारे में भी अभी रिसर्च हुआ, क्यों ऐसा इतने छोटे उम्र में ही करना चाहिए, बाद में वेद पाठ नहीं करना चाहिए या सीखने से भी वो प्रामाणिक नहीं होता है। इसका कारण ये है कि हम जानते हैं कि ये बचपन से जो भाषा हम बोलते आ रहे हैं, ये अभी रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, वो कहते हैं कि हमारे मुग यानी जो जितने मसल्स को यूज करके हम बातचीत करते हैं उसमें उन्होंने निकाला है कितने 40 मसल या 17 मसल जो भी है वो यूज करके हम बात करते हैं, ये मुख के अंदर बाहर सब। जैसे व्याकरण में हम बोलते हैं पांच अवयव, पांच स्थानों से निकल करके स्वर आता है, तो ये बोलते हैं जो शब्द जो भाषा हम बचपन से सीखते हैं वो पूरा हमारे जो मसल्स है उसके अनुसार तैयार होकर एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद में हम वेद को या कोई दूसरी भाषा को सिखाने जाएंगे वो पूरा चेंज होगा ही नहीं। जैसे कोई अंग्रेजी वेद पढ़े तो कैसे होता है, या हम जब अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी वाले बोलते हैं, आप जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, हमारी भाषा हिंदी जैसे रहेगी, अब मलयालम में है तो मलयालम में का ट्यूनिंग आता है, तमिलियन अंग्रेजी बोलेंगे तो तमिल का ट्यून रहता है, एक्सेंट कभी भी नहीं आता। ये तो अभी रिसर्च हुआ है, तब वो कह रहे हैं कि ये कारण है कि बचपन से सिखाया गया तभी उसको वो सारे स्वर बैठ जाएगा, उसके बिना उसका मुग उसके लिए तैयार नहीं होता। इसलिए उनको उसी समय मना किया कि आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, ऐसा मना किया। हम सोचते हैं ये भेदभाव करने के लिए मना किया है, ऐसा नहीं, हमारे ऋषियों के मन में कभी भी ऐसा भेदभाव की नहीं है, उन्होंने कुछ भी कहा है उसका रीजन है। तो ये रीजन है कि तभी वो पूरा उसको कर सकता है। सामवेद को उच्चारण करना कितना कठिन होता है, सामवेद के जो स्वर है कुछ अलग प्रकार के स्वर होते हैं, सामान्य हम सीख नहीं सकते। तो बोलते हैं स्वामी जी इसीलिए यदि हम सिखा भी देते हैं वो बहुत कोशिश करेगा, याद कर लेंगे लेकिन स्वर पूरा ठीक नहीं बैठ पाएगा और बाद में वो बिगाड़ देंगे तो फिर गलत उच्चारण की परंपरा चलेगी, ये हम नहीं चाहते, इसलिए हमारे पूर्वजों ने मना किया हम नहीं पढ़ाएंगे। जो संध्या आदि के लिए जो सामान्य है उसको पढ़ाते हैं वो ही करते हैं। ये है, ये वो है वास्तव में वेद जो हमको श्रुति में सुनाई पड़ता है, और वो जैसा जैसा वो पढ़ते हैं सुनाते हैं वैसा कभी भी आप पुस्तक में नहीं लिख सकते। यद्यपि वो हमने उदात अनुदात स्वरित सबके लिए मार्किंग सब लाया है, प्रचेत करके कंप है प्रकंप है ये सब स्वर नहीं ला सकते आप, उसके लिए कोई मार्किंग नहीं है, कर नहीं सकते, बहुत साइंटिफिकली उसको बनाया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना चाहिए कि वेद को ऐसे हम करते हैं। अब हम हमारा प्रश्न आता है 1180 शाखाएं वेद की थी, अब केवल 8 शाखाएं बची हुई है। शाखाएं यानी वेद पढ़ने की जो भेद है, एक तरह का प्रभेद जो होते हैं उसको शाखा कहते हैं, तो उसमें केवल 8 ही है, बाकी सब समाप्त हो गया, और उसमें भी एक दो अभी समाप्ति के कगार पर है, बहुत डेंजर सिचुएशन में है। फिर भी वो कह रहे हैं कि हम अनधिकारी को नहीं पढ़ाएंगे, जबकि हमारे बच्चे हैं स्वपुत्र है तैयार भी है लेकिन विलंब हो गया, समय हो गया, अब वो नहीं कर पाएगी। इसलिए श्रुति को वेद माना, और हम ये बोलते हैं कि ये जो श्रुति है वो नित्य है, जो लिखा हुआ किताब नित्य नहीं है,
उसमें जो स्वर किया वो नित्य नहीं, वो तो आता जाता है, लेकिन ये श्रुति वेद नित्य है, उसके दृष्टा होते हैं ऋषि। ऋषयो मंत्र दृष्टारः न कर्तारः, ये मंत्र के दृष्टा होते हैं, ये दृष्टा और कर्ता में अंतर है। दृष्टा यानी मन में वो प्रगट होता है, जब बुद्धि तैयार हो जाती है उसमें वो प्रगट होता है। कर्ता यानी वो अपने आप लिखता है, जैसे भगवान वेदव्यास महाभारत के कर्ता है, दृष्टा नहीं है, लेकिन विश्वामित्र ऋषि गायत्री मंत्र के दृष्टा है। ऐसे ऋग्वेद में कम से कम 200 ऋषियां दृष्टा है। तो यह दृष्टा मन क्या होता है कि जो पहले से उपस्थित है उसको समझने की जब बुद्धि आ जाती है, उसके बुद्धि उसके साथ ट्यून हो जाता है, अंतकरण शुद्ध हो जाता है, उसके मन में वो रिवील होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी फोर्स, हम समझते हैं न्यूटन ने ग्रेविटी को खोज किया, उन्होंने खोज किया जरूर है, लेकिन ग्रेविटी को न्यूटन ने बनाया नहीं है। ये न्यूटन ही नहीं कह सकते मैंने ग्रेविटी को बनाया, ऐसे नहीं कह सकते। न्यूटन के मन उस स्थिति को जानने के लिए तैयार हुआ, उसके सिर पे जब एप्पल गिरा, हम जो स्टोरी जानते हैं, और बाद में उस पर उन्होंने रिसर्च किया तो उसको रिवील हुआ। सो द ग्रेविटी वॉज ऑलरेडी देयर, न्यूटन रिवील्ड इट एंड ही मेड इट एज अ थियरी ऑफ ग्रेविटी और व्हाट यू से एवोल्यूशन, जो भी हुआ। सेम थिंग, मतलब वही यहां भी होता है। तो जब न्यूटन को ग्रेविटी पता लग सकता है तो वेद भी ऐसे है, क्योंकि वेद मिस्टिक नहीं है, वेद रियलिस्टिक है। पीपल से दिस वेदास एंड ऑल द पुराणास और दिस वॉट एवर वी हैव अस द टेक्स्ट बुक्स और द फिलोसफीज, दे आर ऑल मिस्टिक। ये मिस्टिक का कंसेप्ट इंडियन नहीं है, बिकॉज वी हैव नथिंग मिस्टिक, सब रियलिस्टिक है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज आवर लाइफ इज इटसेल्फ इज फिलोसफिक, इज वी कैन से दिस वी फॉलो, वी आर इन दैट, आवर कल्चर इज वन विद द वेदास। हमारे यहां साइंस और कल्चर को स्प्लिट नहीं किया। एक्चुअली दिस इज अनदर प्रॉब्लम, वी हैव नो स्प्लिट ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। हमारे स्पिरिचुअलिटी साइंस एक था, अदर वी कैन से द लाइफ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, वो तीनों एक ही था। ये तो 15th सेंचुरी में वेस्टर्नर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे खोज जो निकाला है, वो खोज जो हुआ उसको रिलीजन जब अपोज किया तो देर वॉज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजियस फिलोसफीज एंड देयर बिलीव्स एंड बिलीवर्स एंड साइंस, सो देन दे स्प्लिटेड इट। यू से what I say as scientific, that is not religious. So they separated it. From there we are following that. In our Vedas, when we see, there is no split of science and religion and life. So whatever we say, we practice. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसमें हमको जानना चाहिए।
इस प्रकार वेद को रिवील करते हैं, इसलिए ऋषयः मंत्र द्रष्टारः ऐसा कहना चाहिए। इस दृष्टि से हमारे संप्रदाय के अनुसार जो अपौरुषेयत्व है उसका डेफिनेशन आता है। वो तो डेफिनेशन लाने के लिए मैंने ये बैकग्राउंड कहा। तो कई प्रकार के डेफिनेशन है। एक प्रसिद्ध डेफिनेशन है सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व। ये हम लोग पहले सीखते हैं सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व पौरुषेयत्व। सो जो वेद में वो पौरुषेयत्व नहीं है। सजातीय उच्चारण का अर्थ क्या होता है कि शिष्य उच्चारण करने के पहले गुरु का उच्चारण होता है, गुरु जैसा उच्चारण करता है बिल्कुल उसको बिल्कुल वैसा ही शिष्य उच्चारण करता है। वहां शिष्य की वाणी गुरु की वाणी एक हो जाती है, वही शिष्य और गुरु में संबंध था। शिष्य का गुरु के प्रति डेडिकेशन होता, वो अपने आप हो जाता है। हमको अभी लोगों को बोलना पड़ता है आप डेडिकेशन सीखो, डिवोशन सीखो, रेस्पेक्ट करो, श्रद्धा करो, बोलना पड़ता है। ये इसलिए बोलना पड़ता है हम पहले ये नहीं करते हुए आ रहे हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये कंसेप्ट नहीं, इसलिए हमें अभी सिखाना पड़ता है। कब बुड्ढा होने के बाद जब सुनने के लिए आता है, वेदांत सुनने के लिए आता है, तब सिखाना पड़ता है। क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में इसकी जरूरत नहीं है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, टीचर तो टेक्स्ट बुक बेस्ड टीचिंग करता है, विद्यार्थी के पास भी टेक्स्ट बुक है, उनको कोई गुरु के समर्पण करने की आवश्यकता नहीं। गुरु क्या बोलता है उसको सुनना है, नोट करना है, उसको परीक्षा में लिखना है, और उसका लक्ष्य क्या है वो परीक्षा लेकर पास हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे पैसा कमाना है, जॉब करना है। ऑल एजुकेशन ओरिएंट जो भी है जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए कोई नहीं। अब वो सुनने वाले बच्चा भी जानता है गुरु क्या बोलता है, वो पुस्तक खोल करके देख करके बोलता है, जो हमारे पास पुस्तक वही बोलता है। सो एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है हमसे पहले उन्होंने पढ़ा है, हमसे ज्यादा पढ़ा है, बात जरूर है, लेकिन उनका क्या है, अपने आप कुछ नहीं। सो बच्चे को डेडिकेशन नहीं आता है। यहां ऐसा नहीं है कि गुरु के शब्दों में से एक शब्द भी एक मात्रा भी छूट गया तो गलत हो जाएगा, वो उसको पता है अभी पूरा वो गुरु के पास ही है जो कुछ है। अब उसमें सब कुछ मुझे मिलना है तो मुझे पूरे समर्पित रहना पड़ेगा, गुरु की कृपा के बिना वो हो नहीं सकता, गुरु के प्रेम के बिना वो डिलीवर नहीं हो सकता। तो अपने आप डेडिकेशन वहां होता, ये था डेडिकेशन। और वो शिष्य के लिए ऑल लाइफ ही इज गुरु। हमारा स्कूल कॉलेज के गुरु जैसे नहीं, हम तो कॉलेज छोड़ते, कॉलेज छोड़ना क्या, आजकल तो स्कूल कॉलेज में तो गोली दिखा रहा है, क्या बोलते हैं बंदूक दिखा करके कर रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई, गुरु का तो कंसेप्ट ही चला गया, तो वो है ही नहीं। हम आज हमारे गुरु को यदि मिलेंगे स्कूल में कॉलेज में जो सिखाए हुए, हम पाद छू के नमस्कार करने का भी हमारा मन नहीं आता, वो हम समझते हैं वो उनकी ड्यूटी थी, वो पैसा लेकर के पढ़ा रहे थे, उनकी ड्यूटी है, ठीक है नमस्कार कर लेते हैं, वो भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। उधर ऐसा नहीं था क्योंकि उसका डेडिकेशन पूरा हो जाता था, क्योंकि सजातीय उच्चारण अनपेक्षित उच्चारण है वो पौरुषेय है, यानी पहले का उच्चारण की अपेक्षा नहीं रहती, स्वयं बनाता। महाभारत पौरुषेय है, पुराण पौरुषेय है, स्मृतियां पौरुषेय है, कल्प ग्रंथों को कुछ पौरुषेय मानते हैं कुछ अपौरुषेय मानते हैं। कल्प ग्रंथ में जितने वेदांश है वो अपौरुषेय है, और जितने वेद के माने आनुकालिक किए गए हैं वो पौरुषेय मानते हैं। और वेद की शाखाएं महाभाष्य में कहा वेद की शाखाएं नित्य नहीं है, वेद की शाखाओं को अनित्य मानते, वेद को नित्य मानते, वेद की शाखाएं अनित्य है इसे मानते। ये सब है तो इतने डिटेल में हम जाने के समय यहां नहीं है।
तो सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व पौरुषेयत्व ये वेद में नहीं आता है, क्योंकि वेद का उच्चारण पहले गुरु के उच्चारण के बाद ही आता है, इसके कारण उसको मानना पड़ेगा। अब गुरु को पूछेंगे कि आपने कहां से सीखा, वो बोलेंगे मेरे गुरु ने ऐसे सिखाया, मेरे गुरु ने ऐसे सिखाया। और इसका इतना परफेक्शन रहता है और इसके इसको इतने सीरियसली लेते हैं, तो उसमें थोड़ा भी फर्क अपने आप नहीं करते। इसलिए मैंने कहा ना, वेद पंडितों को भी आप किताब देकर के बोलिए कि ये सूक्त आप पढ़ो, नहीं पढ़ेगा, बोलेंगे हमने इसको नहीं सुना, इसका स्वर हमको मालूम नहीं, हम नहीं उच्चारण करेंगे। बहुत बहुत खूब इसको तैयार किया है। और दूसरा मीमांसा दूसरे प्रकार से एक लक्षण देते हैं, प्रमाणांतरेण अर्थम उपलभ्य निर्मितत्व पौरुषेयत्व। प्रमाणांतरेण अर्थम उपलभ्य निर्मितत्व पौरुषेयत्व। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, या अर्थ संग्रह में वाक्य आया वेद का लक्षण, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, उसमें ये कौमुदी कारण है, ये डेफिनेशन दिया कि अन्य प्रमाण से शब्दार्थ को प्राप्त करके जो लिखा जाता है उस ग्रंथ को पौरुषेय मानते हैं, वो लेख को, वो कार्य को पौरुषेय मानते हैं। प्रमाणांतरेण अर्थम उपलभ्य विनिर्मितत्व पौरुषेय। वेद में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है। वो अन्य को प्रमाणित करता है, किंतु वेद को कोई प्रमाणित नहीं करता, वेद में स्वतः प्रमाण है। और नॉट ओनली इन वेदावा वी कैन से द रियलिस्टिक फिलोसफीज और रियलिस्टिक थियोरीज जितने भी हैं, वो सभी स्वतः प्रमाण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन द ग्रेविटी, द थियोरी ऑफ ग्रेविटी, वो स्वतः प्रमाण है, क्योंकि कोई भी अनुभव कर सकता है। आप पत्थर ऊपर डाल दो, वो नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हैं उसको, उसकी थियोरी स्वयं प्रूफ कर रहा है। आपको उसको कन्विंस करने के लिए और कुछ आलंबन की आवश्यकता नहीं होती, क्या रियलिस्टिक है। पानी ठंडा है, पानी में हाथ डालो तो पता चलेगा। अग्नि गर्म है, अग्नि में हाथ डालो तो पता चलेगा। सेम थिंग, वेद का जो एक्सपीरियंस है आपको डायरेक्टली वो मिलेगा। सो व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन यू लर्न दैट, यू गेट इट डायरेक्टली, देयर इज नो नीड फॉर एनी अदर मीडियम। सो व्हेन यू गेट दिस नॉलेज फ्रॉम योर गुरु, सो दैट इज डायरेक्टली कमिंग टू यू एंड इट बिकम one with you, that is your experience. ये है प्रमाणांतरेण अर्थ को नहीं लिए हुए करना। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि अपौरुष पौरुषेयत्व क्या है, सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व, ये पौरुषेयत्व है। ये पुरुष ने बोला है, नहीं बोला है, उच्चारण किया, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। उन्होंने पहले किससे प्राप्त किया, इसके लिए इसके संबंध में एक बात और याद आती है, मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल हम कोई भी पुस्तक लिखते हैं, ऑथर का नाम उसमें लिखना पड़ता है। इफ विदाउट ए नेम आजकल उसको मानते हैं, लेकिन पुराने जितने भी ग्रंथ आप ले, यहां तक शंकराचार्य जी की जितनी रचनाएं हैं, कहीं भी ऑथर का नेम नहीं। शंकराचार्य जी इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतने बड़े आचार्य हैं, वेस्टर्नर्स जो स्टडी करते हैं उनको आश्चर्य होता है कि क्या मूर्खता है, उन्होंने कहीं भी अपना नाम उल्लेख नहीं किया, अपना एड्रेस नहीं दिया, अपना क्वालिफिकेशन नहीं बोला। सब व्हाट ए ब्लंडर, उनको समझ में नहीं आता ये चीज। इसलिए मैंने बोला दैट इज द कल्चरल डिफरेंस। हमारे यहां यह माना गया है कि ज्ञान नित्य है,
ज्ञान किसी का अपना नहीं होता, अपना नाम पर करने के लिए नहीं होता है। यू आर ओनली मीडियम है, वो आपके थ्रू वो प्रकट हो रहा है। आपने मन को ऐसा ट्यून किया, तैयार किया, सो आपके थ्रू वो प्रकट हो रहा है। उसको आप अपना कैसे बनाएंगे? तो उस जमाने में ग्रंथ लिखकर के अपना नाम अंकित करना बुरा माना जाता था। बहुत मतलब ये इतने कमजोर व्यक्ति ऐसे क्यों लिख रहा है कि किसी का जो ज्ञान प्राप्त करके अपने आप बोल रहा है। आपने ये पता लगाया, वो पता लगाना क्या पहले से वहां था? आपके आपको भगवान ने बुद्धि दी, आपने पता लगाया, इसमें आपका क्या है? तो ये कारण था कि किसी में वेद में कहीं भी ऐसा नहीं मिला, ऑथर का नाम नहीं मिलेगा, ग्रंथों में नहीं मिलेगा। तो ये कैसे समझेंगे आप? अब आप ग्रंथों का नाम नहीं लिखा है इसीलिए ग्रंथ में ऑथर का नाम नहीं लिखा है इसलिए उसके नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमको प्रस्थानत्रय भाष्य शंकराचार्य जी का है, कैसे पता चल रहा है? परंपरा से पता चल रहा है, नो अदर वे टू फाइंड आउट, ओनली बाय ट्रेडिशन यू नो दैट दिस बुक्स आर ऑथर्ड बाय भगवान शंकराचार्य। दिस इज नॉट पहले की बात है। तो ये ट्रेडिशन था कि नॉलेज को हम उतना इंपॉर्टेंट देते थे कि नॉलेज सब कुछ है, तो कोई भी गुरु वो बोल नहीं सकते। और गुरु परंपरा को कहीं कहीं स्मरण करते हैं इसलिए कि वो हमारे स्मृति में रहे, उनके प्रति हमारे आदर बना रहे, तो ये जानने के लिए। कभी कभी वो परंपरा भी पूरी नहीं होती है, बीच में बहुत सारों का नाम नहीं होता है, मुख्य मुख्य नाम हम लेते हैं। अभी नारायण पद्मनाभ वशिष्ठम जो है वो ठीक है, हम कह सकते हैं इस पर भी रिसर्च करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली ये वन आफ्टर अनदर है कि नहीं है, कुछ मिसिंग भी होता है। तो ये पौरुषेयत्व अपौरुषेयत्व की व्याख्या है कि अभी हम अपने जीवन में देखिए कि हमने एक लैंग्वेज सीखा, कोई इंग्लिश सीखा, कोई हिंदी है, कोई तमिल है, जो भी आपने अपनी लैंग्वेज सीखा है। कैसे सीखा? जब हम जन्म लेते हैं कोई लैंग्वेज कुछ नहीं जानते हैं, हम इसको भी अपौरुषेय सीखा है। हमने इसको अपने पिता माता अपने सोसाइटी से सुन करके सीखा है। उसके पहले उनको पूछो कि उनके परंपरा से सीखा, वो सीख करके आया। लेकिन इस पे लैंग्वेज में जो लौकिक लैंग्वेज है उसमें डेवलप होता है, उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन वेद के शब्दों में कोई डेवलपमेंट जरूरत नहीं है, नहीं होता है। लोग कहते हैं वेद में बहुत सारे शब्द घुसाए गए, आप सभी इसको पढ़े होंगे, वेस्टर्नर्स बहुत सारे मैक्स मुलर से लेकर के जितने भी लिखे हैं कि सबने लिखा वेद में बहुत कुछ ऐसे है वो मिलाया गया है, बाद में किया गया, वो किया है, किया इज नॉट करेक्ट, इम्पॉसिबल। वेद में एक शब्द भी नहीं जोड़ सकता, एक अक्षर भी ज्यादा नहीं जोड़ सकता। ऐसे लोग ही उसके बारे में कहेंगे कि वेद में शब्द जोड़ा है, जो लोग वेद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वेद की परंपरा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो ही बोल सकता है कि वेद में कुछ जोड़ सकता है। वेद के संहिता भाग जो श्रुति से आया हुआ भाग में कुछ नहीं जोड़ा जा सकता, उतना परफेक्टली बनाया है उसको। उसमें जो स्वर व्यवस्था है उसको कोई बदलाव नहीं कर सकता, बदलाव करेगा तो दूसरा मानेगा नहीं। जैसे आप पुरुष सूक्त में अपना स्वर बनाकर गाएंगे तो कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा। वो जो व्यवस्थित स्वर है उसको ही करना पड़ेगा। और सारे अक्षर तक गिन के बताया, शतपथ ब्राह्मण आप पढ़ेंगे, शतपथ ब्राह्मण इसके लिए बहुत बड़ा सोर्स है। एक बार शतपथ ब्राह्मण पढ़ना चाहिए, बृहदारण्यक उपनिषद जिस ब्राह्मण में है उसकी बात कर रहा हूं। उसमें यह गिन करके बताया कि कितना सब कुछ उसमें है कि ऋग मंत्र में, ऋग्वेद में 397,265 अक्षर है और ये अक्षरों से
93,816 पद बना है, और ये पदों से 10,552 ऋक बने हैं, ऋक मंत्र यानी श्लोक बद्ध ये बने हैं, और इसको 2064 वर्ग में बदला है, सॉरी 2024 वर्ग में बदला है, और ये 64 अध्यायों में है, 10 मंडल में है, 8 अष्टक में है। ये क्यों मैं कह रहा हूं कि इतना परफेक्टली गिन के जो बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, ये शतपद ब्राह्मण बता रहे हजारों साल पहले, और आज भी हमको वही मिल रहा है। और इसमें जो स्वर कहा गया, स्वर का नियम आप जो व्याकरण जानते हैं वो लोग को मालूम है, शिक्षा ग्रंथों के आधार पर स्वर व्यवस्था होती है, अष्टाध्यायी में जो वैदिक सूत्र है उनके आधार पर स्वर व्यवस्था होती है, कितने सारे उसमें नियम है कि कोई उसको बना नहीं सकता। अभी प्रचेत क्या स्वर होता है, प्रकंप कैसे होता है, आप स्वर सुने बिना नहीं कर सकते, उच्चारण के बिना नहीं कर सकते। और एक व्यवस्था ऐसी होती है, आपने जाना होगा, सुना होगा, जटा माला शिखा रेखा इत्यादि वेद पढ़ने के जो उच्चारण करने के अभ्यास करने की शैलियां हैं, ये तो केवल अभ्यास की शैलियां हैं, सीधा इसका प्रयोग कर्म में नहीं होता। तो ये जब अलग अलग जटा पाठ जैसा होता है, माला पाठ शिखा पाठ इत्यादि जब देखेंगे, एक एक अक्षर को एक एक पद को अलग करके मिला करके होता है, पदों को लेकर के ये व्यवस्था है, वाक्यों को लेकर के व्यवस्था है, फिर उसमें एक बहुत सुंदर एक व्यवस्था है जिसके कारण उसमें दूसरा घुस नहीं सकता, उसको कहते हैं स्वराक्षर गण रीति, स्वर अक्षर गण रीति। क्या कह रहे हैं कि उसमें स्वरों को लेके, वहां पद अक्षर आदि को मुख्य नहीं मानते, स्वर के हिसाब से स्वर की मात्रा को गिन गिन करके मिला करके पाठ करते। माने अभी पुरुष सूक्त में पहला मंत्र में कितने पद है वो पदों के हिसाब से नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे इतने स्वर गण है, ऐसे बोलेंगे। ऐसे में क्या होता है कि वेद पाठ ही शायद वो पद को, पद का अर्थ को नहीं जानते होंगे, लेकिन वो स्वर की गति को पक्का जानते हैं। ऐसा व्यवस्थित होने से इसमें कुछ नहीं मिला सकते, और बाकी ज्ञान के विषय में बहुत कुछ कहना है, और वेद श्रुति आमना इत्यादि का कुछ शब्दार्थ भेद भी है, इसके बारे में बहुत कुछ विषय है। तो अभी समय हमारा यहाँ पूरा हो रहा है, इसके कारण हम इसको यहीं रुकते हैं, तो कभी आगे कभी फिर करेंगे। बहुत सुंदर विषय है, मैं इसको इसलिए प्रस्तुत करना चाहते थे, आप लोग सब इसको सीरियसली स्टडी करते हैं, कि हम लोग जो वेस्टर्नर्स जो किया उसके रिसर्च पर भ्रमित होते हैं, जो हमें बोलते हैं समझाते हैं या हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक अध्ययन किया हूँ, इसके ऊपर चर्चा किया हूँ, मेरे हिसाब से फंडामेंटली रॉन्ग है, उनका एनालिसिस करेक्ट है ही नहीं। और ये जितने भी कॉन्फ्रेंसेस में मैंने सुना है, वहाँ कोई मौलिक रूप से वेद पाठ करने वाले कोई भी व्यक्ति का प्रसन्स नहीं था, ये इस वंडर कहिए कि ब्लंडर कहिए कुछ भी कहिए, वो बिना वेद पाठ के स्वर जाने हुआ मैक्स मोलर आदि जो भी लिखा है उन्होंने जो जो बोला है उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं, और बिना वेद पाठ ठीक है रहते कि वेद का स्वर वेद क्या है आप कैसे जान सकते, किताब पढ़ के समझने की बात नहीं। तो इसलिए इस विषय पर आप लोग सब स्कॉलर्स हैं, सो कैन ऑल्सो डू रिसर्च ऑन दिस, सो what is real, so we have to reveal it for the new generation. So thank you very much. Om.